हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 370th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर इज क्रिम्स हॉस्पिटल। माय होम पार्टनर इज सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। घर की हर सपने को सिद्धि विनायक पूरा करे। ग्लोबस आईटीआई कामठी, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ट्राइकॉस, मोहन एंटरप्राइजेस एंड ऑफ कोर्स सर्विसिंग वाला। अ बिग थैंक यू टू जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड विदर्भ में युवाओं की उम्मीद है युवा फाउंडेशन। वैसे आपको एक बात बताऊं, एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो पिछले एक साल से एक कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि पेरेंट्स को राहत मिले। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने पहले शुरुआत करी नो फीस नो स्कूल। अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो फीस काहे की भर रहे हैं। ये पिछले एक साल से उनका ये पूरा का पूरा जो एक लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं, एक सपना लेकर चल रहे हैं, उस सपने में बाधाएं बहुत आई, लोग बहुत आए, नेता बहुत आए, जुड़ने वाले पेरेंट्स भी बहुत आए, और आज वो एक नए एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, और वो है जो स्कूल्स का नया ड्रामा है कि नो फीस नो एग्ज़ाम। इस बात पर क्या जवाब देंगे आज विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन के चीफ श्री संदीप अग्रवाल। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार राज भाई। राज की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 370वां एपिसोड है, कैसा लग रहा है संदीप भैया? बहुत अच्छा लग रहा है राज भाई। मेरे हिसाब से आप विश्व में पहले आदमी हैं जिसने इस पेंडेमिक के साथ अपने पूरे 370वें एपिसोड पूरे किए हैं, वो भी बिना रुके और बिना थके। तो मैं आपको नागपुर की तरफ से, नागपुर की जनता के तरफ से, संतरा नगरी की जनता के तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि आज आप सिर्फ राज भाई नहीं है बल्कि आप एक नागपुर में सेलिब्रिटी बन गए हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि बहुत जल्द आप हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी बेस्ट विशेज, वेल विशेज, और आपकी जो आपका जो आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप भी तो नहीं थक रहे, आप भी तो स्कूल मैनेजमेंट की नाक में दम करके बैठे हैं। आप कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी स्कूल्स के बाहर जा रहे हैं, कभी आरबीआई स्क्वायर पे जा रहे हैं। क्यों मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को परेशान कर रहे हैं आप? राज भाई कैसे कह दूं, मैं थक गया हूं, मैं हजारों का हौसला हूं, मैं कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं? थकने का तो सवाल ही नहीं उठता। पालकों का जो प्रेम मिल रहा है, पालकों का जो साथ मिल रहा है, वो ही मेरे को एनर्जी मिल रही है, और मैं एक मिशन और एक लक्ष्य को लेके चल रहा हूँ। जब भी हम कोई नया रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो बाधाएं बहुत आती है, दिक्कतें बहुत आती है, कानूनी अड़चने भी बहुत आती है, क्योंकि जो लोग बरसों से इस प्रकार का गोरख धंधा कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी सल्तनत हिलने वाली है। तो वो पावरफुल लोग रहते हैं, और वो पावरफुल लोग कई प्रकार से हमको दबाना चाहते हैं, दबाव तंत्र अपनाते हैं, हमारे पे कानूनी तंत्र अपनाना चाहते हैं, हमारे में डिवीजन करना चाहते हैं, ऐसे कई तंत्रों से वो हमको अपने पैसे की ताकत से हमको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा मिशन साफ है, हमारी नीयत साफ है। हम नहीं कह रहे हैं पिछले एक साल से कि जब स्कूलें भर नहीं रही है, जब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हम वापस नहीं रहे हैं, जब स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो हम फीस पूरी कैसे दें? हम मुफ्त में शिक्षा ना पहले हमने कभी मांग की ना अब मांग कर रहे हैं। हमको फ्री में शिक्षा नहीं होना, लेकिन जो वाजिब दर है, हमारा बच्चा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहा है, उसकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए। सरकार के पास तो इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो लोग इसका शास्त्र निकाल ले और बता देंगे महाराष्ट्र के पालक को कितनी फीस भरना है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी मिशनरी प्रशासन इन स्कूल संचालकों के साथ मिला हुआ है, और क्यों ना मिला हो। मैं खुद जो हूँ प्रदेश कांग्रेस में किसान सेल का पदाधिकारी हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की, भाजपा के नेताओं की, शिवसेना के नेताओं की और एनसीपी के नेताओं की स्कूल है। इसके लिए इस पर कोई कड़क अध्यादेश ला नहीं रहे, और बड़ी शर्म की बात है कि बार बार सरकार जो है डीएफआरसी कानून का हमको बता देती है कि डीएफआरसी कानून के अंतर्गत उन्होंने फीस लेना चाहिए।
जबकि सबको मालूम है कि DFRC कानून के अंतर्गत एक भी स्कूल काम नहीं कर रही है। और DFRC कानून की बात तो अलग है, क्यों ना सरकार पेंडेमिक का कानून लागू करके एक नया अध्यादेश लाती है। आज कोरोना की हालत पूरे महाराष्ट्र में ऐसी हो गई है कि हर आदमी डरा हुआ है, हमने अपनों को खो चुके हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं परिवार में कोरोना है, कहीं दोस्ती यारी में है, बच्चों भी जो है बड़े मानसिक तनाव से चल रहे हैं, माँ बाप भी मानसिक तनाव में चल रहे हैं। ऐसे तनाव के वक्त भी फीस का जो पैतरा स्कूल वालों का है, मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़े दिन में रे भी मैसेज डालेंगे कि भैया कोरोना से मरने से पहले आप कम से कम स्कूल की फीस तो भर दो। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसको रोकना चाहिए, और सरकार ने पेंडेमिक जो कायदा है उसके अंतर्गत एक नया आदेश लाके सभी स्कूलों को सख्त तरीके से बताना चाहिए कि आप जो है स्कूलों की फीस इतनी ही लेंगे, और इससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो हम आप लोगों की स्कूलों को जो है सरकारी नियंत्रण में ले लेंगे। क्योंकि स्कूल जो है शिक्षा का जो व्यापार है धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, बल्कि एक धर्म का काम है। और सारी स्कूलें जो है चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ही इनको CBSE बोलो स्टेट बोर्ड ने एफिलेशन दिया है, और एफिलेशन में भी कहा है कि आप किसी भी प्रकार का उससे मुनाफा अर्जित नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी भयंकर रूप से मुनाफा अर्जित किया जा रहा है, और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। एक साल से तो हम चिल्ला ही रहे हैं नो स्कूल नो फीस, पालक भी चिल्ला रहे हैं, हर आदमी परेशान है, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह सोया है, प्रशासन कुछ भी नहीं करता है। अभी तो हद हो गई, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को इन्होंने स्कूल वालों ने हथियार बना लिया, और बड़ी बेशर्मी के साथ उच्च न्यायालय का नाम अपने पत्रों में 20-20 बार लिखा है कि जैसे उच्च न्यायालय ने इनको लूट का लाइसेंस दे दिया हो। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि DFRC कायदे के अंतर्गत अगर स्कूलें फीस ले रही है तो पालकों ने भरना चाहिए, और किसी भी बच्चे का जो एजुकेशन है फीस के लिए रुकना नहीं चाहिए। उसके बावजूद वो कायदे को, वो जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को इन्होंने हथियार बना के सारे पालकों को लीगल नोटिस टाइप भेजा है कि हाईकोर्ट ने इनको बोल दिया है फीस ले लो। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी भी पैसे की हवस आपकी कब खत्म होंगी? आज विश्व इतनी भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है, पूरा शहर भयानक हो गया है, अस्पतालों में बेड नहीं है, रिश्तेदारों के यहाँ बीमारी है, हमारे सबके जॉब छूट गए हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हम परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी इसको सोचते हुए, इतने साल तो कमाए हैं, 2 साल नहीं कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, संदीप जी, ये पूरा का पूरा जो आपकी कोशिश है ना, मुझे ये वही तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके आपका साथ कोई पॉलिटिकल नेता दे नहीं रहा, कोई भी पार्टी का नेता आपको दे नहीं रहा, ये आपको मालूम है। ठीक है, मीडिया पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आप, मैं अभी स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या स्कूल मैनेजमेंट के जो स्कूल के जो ओनर्स हैं, क्या उनको उनकी मर्सिडीज और जैगुआर का EMI नहीं भरना है क्या? क्या उनके जो फार्म हाउसेज, उन्होंने इतने लाखों और करोड़ों के फार्म हाउसेज खरीदे, उसके उनके वहाँ पे उनको पार्टीज नहीं करनी है क्या? उनकी स्कॉच का खर्चा कौन देगा? उनके यहाँ स्कूल में उनका स्कूल के रिलेटेड जो उन्होंने पैसा उठाया है बैंकों से, उसमें EMI कौन भरेगा? आप उनके बारे में तो सोच ही नहीं रहे, आप सिर्फ ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स के बारे में सोच रहे। अरे ये कहीं से भी लाएंगे पैसे? देखिए राज भाई, बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली लोअर क्लास और मिडिल क्लास की बात इसीलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज में वो बहुत कम है। वो अपने सोफे पे बैठ के बताते हैं फलाना नेता चोर है, फलाना नेता अच्छा है, लेकिन वोट देने जाते नहीं है। इसके लिए उनकी हालत बुरी है। और आप जो कह रहे हैं कि मैं स्कूल संचालकों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अगर मैं नहीं सोचते रहता तो मैं तो रे डिमांड करता कि उन्होंने फीस ही नहीं लेना चाहिए। मुझे भी मालूम है कि उनको EMI देना है, उनको अपनी बिल्डिंग मेंटेन करना है, और उससे ज़्यादा मुझे
उसकी भी फिक्र नहीं है, मुझे मुझे फिक्र है उनके यहाँ काम करने वाली टीचर्स की। अरे टीचर्स के बारे में बाद में, क्योंकि टीचर्स को तो 25% और 30% सैलरी और 50% सैलरी मिल भी रही है ना। मैं अभी सिर्फ मालिकों की बात कर रहा हूँ, स्कूल के मालिक। मेरे को बताइए, उनके जो बच्चे आउट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जो यहाँ पढ़ सकते हैं लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उनकी भी तो करोड़ों रुपए की फीस वो साल भर में भरते हैं, आपको उससे भी दिक्कत। राज भाई दही दही करना क्या चाहते हैं? दही सोचिए आपकी, जब वो अपने बच्चे को खुद की स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं और अपने बच्चे को उनको फॉरेन भेजना है, तो उनके स्कूलों का क्या स्टैंडर्ड है? मतलब उनको अपने स्कूल पे ही भरोसा नहीं है, उनको अपने देश पे भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो रे लालच है, कई सालों में करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाए हैं, इनका अगर सरप्लस फंड देखा जाएगा तो हर स्कूलों के पास करोड़ों रुपए सरप्लस फंड है। अगर ऐसी महामारी के समय भी ये फंड वो नहीं निकालते हैं, ऐसे महामारी के समय भी वो इंसानियत का परिचय नहीं देते हैं, तो रे तो डूब मरने की बात है। आदमी ने शर्म के कारण डूब मरना चाहिए और ऐसी स्कूलें बंद कर देना चाहिए। आप स्कूल्स की बंद करने की बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, स्कूल्स बंद करना का जो पूरा का पूरा अधिकार इस वक्त है वो एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन ऑफिसर के पास में, आपको उनसे भी परेशानी है। अरे एजुकेशन ऑफिसर को नहीं बंद करना है स्कूल, महंगी स्कूल चल रही है, वो खुश हैं, उनके साथ उनकी साठगांठ अच्छी है, आपको उससे भी प्रॉब्लम है। अरे राज भाई यही बोलना है मेरा कि कहीं ना कहीं रे पूरा खेल साठगांठ का खेल है। आप एजुकेशन ऑफिसर के पास जाओ वो स्कूल वालों की तारीफ करता है, आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाओ वो स्कूल वालों की तारीफ करता है, आप कोई नेता आमदार खासदार के पास जाओ तो वो बोलता है कि वो स्कूल कहाँ से चलाएंगे। क्योंकि मोटे प्रकार का कमीशन बोलो या मोटे प्रकार का गिफ्ट बोलो इन लोगों को स्कूल वाले देते हैं, जिसके कारण ये दबे हुए कानून इनको भी सब मालूम है कि कौन से कानून के अंतर्गत अध्यादेश लाना है, कौन से कानून के अंतर्गत रे फीस कम कर सकते, लेकिन वो कोई भी कानून का रे इस्तेमाल जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रे कितना चिल्लाएगा, चिल्ला चिल्ला के इसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि रे डर के मारे कभी ना कभी तो फीस भर देगा। और वो ही हुआ अभी 3 दिन पहले, क्या हुआ कि अचानक सेंटर पॉइंट स्कूल, जो नागपुर की सुप्रसिद्ध स्कूल है जिसकी ब्रांचेस है जी, उसने अचानक पहली से आठवीं तक के बच्चों की परीक्षा लेने के मैसेजेस स्कूल के सर्कुलेट किए गूगल में, गूगल क्लासरूम द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों को लिंक भेजी गई एग्जाम की। अच्छा। और जब बच्चे सुबह लिंक ज्वाइन करने गए तो जो बच्चों ने फीस नहीं भरी थी उनकी लिंक टीचर ने ओपन नहीं की। जब उनके पालकों ने फोन किया तो टीचर्स ने बोला कि आपके बच्चे ने फीस नहीं भरी है, इसके लिए आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि राज भाई रे मैं बताता हूँ आपको, ने मेरे पास 8 अप्रैल का महाराष्ट्र सरकार का आदेश है, इसमें महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है कि पहली से आठवीं तक सारे बच्चों को हमने प्रमोट कर दिया है, और उसने रे भी कहा है कि आपको रिजल्ट में शेरा लिखना है कि RTE कानून के अंतर्गत हमने प्रमोट किया है, ने शेरा लिख के उनके रिजल्ट्स देना है। उसके बावजूद भी ने कानून को कोई मान नहीं रहा है और जबरन सिर्फ फीस वसूली के लिए एग्जाम का नाटक कर रहे हैं स्कूल वाले। जब पहली से लेकर आठवीं तक बच्चे प्रमोट हो गए, जब नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चे प्रमोट हो गए, दसवीं की एग्जाम स्टेट बोर्ड ने भी CBSE बोर्ड ने भी रद्द कर दी, तो अरे पहली से आठवीं नौवीं तक के बच्चों की एग्जाम का ढकोसला क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं पूरे देश में बच्चे मानसिक तनाव के बीच में रह रहे हैं, ऐसे मानसिक तनाव के बीच वो एग्जाम कहाँ से देंगे? उसके अलावा आर्थिक परेशानी से हर परिवार जूझ रहा है, चाहे वह छोटा व्यक्ति रहे चाहे बड़ा व्यक्ति रहे, सबकी परेशानी अपने अपने प्रकार की रहती है। किसको 5,000 की परेशानी रहती है तो किसको 5 लाख की रहती है, लेकिन हर आदमी परेशान है। आप जहां जाओगे हर व्यक्ति परेशान दिखेगा। ऐसे परेशानी के समय आप पूरे परिवार को मानसिक तनाव देके उसको फीस वसूली का एग्जाम को एक अड्डा बना लिए, और क्या हुआ आपने लिंक बंद किए। मेरे पालक तो बहुत डरपोक रहते हैं, भोले वाले रहते हैं, साउथ इंडियन बैंक में लाइन लग गई फीस भरने वालों की, डर के मारे फीस भरने गए। मुझे तो डर है कि उस दिन जितनी लाइन लगी उनका डाटा निकाला जाए, कहीं उनमें से लाइन के कारण कई लोगों को कोरोना ना हो गया हो।
और अगर उनको कोरोना होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन और स्कूल संचालकों की रहेंगी, क्योंकि उनके दबाव के कारण उनको घर से निकल के फीस भरनी पड़ी। और सरकार ने भी स्पष्ट आदेश देना चाहिए। रे आदेश के बारे में क्या बोलते हैं स्कूल वाले कि रे सीबीएसई के बारे में आदेश नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा राज भाई, चाहे स्टेट बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे, आईसीएसई बोर्ड रहे, दे बोर्ड रहते हैं ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम कंडेनेशन। जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करना है उसी के लिए रे बोर्ड रहते हैं, उसी के लिए वो एफिलिएशन देते हैं। और बाकी सारी स्कूलें जो है उनको राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत चलना पड़ता है। जब राज्य सरकार ने पहली से आठवीं तक के बच्चों को प्रमोट करने का आदेश दे दिया तो रे किस आदेश के अंतर्गत रे एग्जाम का नाटक कर रहे हैं। रे ढकोसला इन्होंने तुरंत बंद करना चाहिए और बच्चों को प्रमोट करके उनके रिजल्ट बाय ईमेल बाय पोस्ट तुरंत भेजना चाहिए। अच्छा, ये जो पेरेंट्स हैं, ये पालक जिनको आप बोल रहे हैं, है ना, जो इस वक्त बच्चों की फीस भर रहे हैं, बड़े कर्ज पे ला रहे हैं पैसा, लेकिन भर रहे हैं, उनसे भी आपको दिक्कत है कि वो भर क्यों रहे हैं फीस? एक पेरेंट भरेगा तो फिर बाकियों को भी भरना पड़ेगा, वो डर रहे हैं। अरे वो क्यों नहीं डरेंगे, उनके बच्चा स्कूल में है, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बच्चे का प्रमोशन नहीं होगा, तीसरी से वो चौथी में नहीं जाएगा तो दुनिया थूकेगी ऐसे माता पिता पर कि तुम बच्चे की फीस ही नहीं भर पाए? अरे क्या तुमको तुम्हारी इतनी लायक ही नहीं है कि तुमको कोई कर्ज नहीं देगा? क्या तुम्हारा सिविल इतना खराब है कि तुमको बैंक पैसे नहीं देगी कि तुम बच्चे की फीस भर पाओ? क्या संदीप जी, आप क्यों ये सब कर रहे हैं? देखिए राज भाई, मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपने भी लोन लेना चाहिए, कर्ज लीजिए, अपनी कार बेचिए, भाई कार है आपकी शानदार, बात वही है ना राज भाई कि आप लोग भी क्या कर रहे हैं, जो मीडिया है, मीडिया भी बोलता है कि फीस भर दो। नहीं, मीडिया पे मत जाइए, मीडिया पे एक अलग सवाल है, है ना? मेरा क्या बोलना है राज भाई, मैं बोल रहा हूँ माता पिता कर्ज क्यों नहीं ले पा रहे? क्या इतनी आप लोगों की लायक ही नहीं है क्या कि आपको कर्ज मिले? देखिए राज भाई, रही दिन आ गए हैं कि अब हमको बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना पड़ेगा और कर्ज लेके इनकी किस्त फीस भरना पड़ेगा। अरे तो बेचो, सोना बेचो, गाड़ी बेचो, हो रहा है राज भाई, यही हो रहा है। मुझे दुख इसी बात का है कि मेरे पालक जो है अपने घर का सोना बेच रहे हैं, मेरे पालक पर्सनल लोन के लिए घूम रहे हैं, मेरे पालक रिश्तेदारों से पैसा ले रहे हैं और अपनी झूठी शान बचाने के लिए इन स्कूल वालों से डरकर फीस भर रहे हैं। फीस भरने के लिए उनको तरह तरह की जिल्लत उठाना पड़ रहा है और कैसे भी जुगाड़ करके हर घर में झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा चल रहा है। पत्नी बोलती है कि आप फीस क्यों नहीं भर देते हैं? राज भाई, मैं दूसरे का क्या बोलूं, मेरे घर में भी वही हालत है। मेरी वाइफ बोलती है, आप तो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरी वाइफ बोलती है कि अरे आप काय के लिए रे सब करते हैं, आप बंद कर दो, आप काय के लिए रे सब लड़ाई कर रहे हैं, मैं अगर आप फीस नहीं भरोगे तो मैं जाके फीस भर दूंगी मेरे सेविंग में से। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयानक हो गई है, विस्फोटक हो गई है। पालक जो है इनसे इतना डर रहा है। और राज भाई, अगर आज हम डर गए तो आपको बता रहा हूँ, आपने हमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिया है, आने वाले समय में शिक्षा इतनी महंगी कर दी जाएंगी कि हमारे बच्चे हमारे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। दे एक रेवोल्यूशन है, हमको शिक्षा जो है रे सबका मूलभूत अधिकार है और संविधानिक अधिकार है, उससे किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो रे एक मूलभूत सुविधा है जो सरकार ने, आज के पहले क्या हुआ, हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी लड़े ही नहीं, हमने लड़े कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, हमने लड़े मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए। अगर आज के पहले 20 साल पहले शायद हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और स्कूलों के लिए लड़ते तो आज रे स्थिति देश में नहीं होती। नहीं देखिए, हमारा देश बहुत पढ़ा लिखा देश है, आप ऐसा भी मत हमको मत गिराइए कि हमने सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लिए लड़ाई करी या हमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने लड़ाई करी, ऐसा भी नहीं है। हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, डेवलपिंग नेशन में हमारा नाम आता है। हम ये सब चीज, मैं आपको मीडिया की बात करूं, अगर आप इतना ही बोलते हैं कि संविधान हमें ये सिखाता है, संविधान हमें वो सिखाता है, तो संविधान मीडिया वाले आपसे ज्यादा समझते हैं संदीप जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपसे ज्यादा समझते हैं। वो भी तो नहीं लिख रहे कुछ नो फी, नो स्कूल नो फीस के बारे में, क्या आपको उनसे भी दिक्कत है? अरे अखबार बंद हो जाएंगे अगर उनको एड नहीं मिलेंगी ये स्कूल वालों से, तो इनके अखबार बंद हो जाएंगे, ये काय के लिए लिखेंगे आपके बारे में? क्यों आपको सपोर्ट करेंगे? क्यों ऐसे गरीब माता पिता को सपोर्ट करेंगे जो जिनको बैंक लोन नहीं दे रहा या जिनको कोई पैसे हाथ में उधार नहीं दे रहा अपने बच्चे की फीस भरने के लिए?
मीडिया वालों से भी आपको दिक्कत है। अरे उनके एड एडवर्टाइजमेंट आएगा, स्कूल एड देगा, तभी तो उनके भी घर चलेंगे ना। देखिए राज भाई, आपने ने जो कहा कि मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा, ये बात गलत है। मीडिया समय समय पे हमको सपोर्ट कर रहा है, मतलब अपने समय पे, समय समय पे अपने समय पे। हाँ वो ठीक है। देखिए क्या रहता है, फ्रंट पेज तो न्यूज नहीं बनी ना आपकी, फ्रंट पेज न्यूज देखिए अंदर दब गई ना। हम न्यूज बनाने के लिए काम ही नहीं कर रहे राज भाई, नहीं, नहीं। न्यूज बनना चाहिए, जिन तक पहुंचना अगर चाहिए, न्यूज तो अखबार की अगर पहुंचेगा फ्रंट पेज न्यूज बन जाती जी, और फ्रंट पेज न्यूज रोज बनती तो होता आज इसका पिक्चर अलग होता, आज मतलब स्कूल माफ कर देता फीस। हाँ आज पिक्चर अलग रहता, तो मीडिया नहीं छाप रही, कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से अखबार जो है इस मिशन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका सपोर्ट नहीं है, लेकिन सबकी एक मर्यादा रहती है, सबका अपना एक बिजनेस स्टाइल रहता है, तो वो मर्यादा के अंतर्गत जितना उनको लगता है वो हमारी मदद कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, उसने भी साफ अपने आदेश में कहा है कि 18 साल के नीचे के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। और जो फीस का मसला है, ये पालक और स्कूल का है, इसमें बच्चे को घसीटना गलत है। दे नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स जो है उनका आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शहर की इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें इस प्रकार बच्चे को घसीट रहे हैं। वो किस प्रकार की शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं, दे समझ के परे है। मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको स्कूल के प्रिंसिपल से भी बड़ी प्रॉब्लम है। वो स्कूल्स की प्रिंसिपल महीने के 70,000 1 लाख 1.5 लाख सैलरी कमा रही है, आपको उनसे भी दिक्कत है। उनसे क्या दिक्कत है आपको, प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर तो वही काम करेंगे ना जो मालिक बोलेगा, उनका खुद का दिमाग वो क्यों अप्लाई करेंगे, तो आपको उनसे दिक्कत क्या है प्रिंसिपल मैडम और प्रिंसिपल सर। देखिए राज भाई, आपकी बात बरोबर है, उनसे दिक्कत इसके लिए है कि जो स्कूल की हेड रहती है वो प्रिंसिपल रहती है जी। हमारे बच्चों का, हमारे पे प्रिंसिपल का एक अलग रूप रहता है, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। जब भी हम स्कूल जाते हैं तो मुख्य अध्यापक से हम लोग बड़ी नरमी से, बड़े इज्जत से बात करते हैं, और हमारे हर सवाल जवाब का वही हमको उत्तर देती है जी। लेकिन अभी क्या हुआ रे, पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान कोई भी प्रिंसिपल पालक से बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट पालक से बात करने को तैयार नहीं, और कहीं ना कहीं दे तो है कि संचालक जो बोलेगा वो उनको करना है जी। लेकिन मैं तो सभी मुख्य अध्यापक जो नागपुर के स्कूल के हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि रे शिक्षा बचाओ आंदोलन है जी। रे शिक्षा को बचाने का आंदोलन है, उन्होंने भी इसमें आहुति देना चाहिए, क्योंकि हमको भी मालूम है कि उनके साथ स्कूलों में क्या हो रहा है। हमारे पास भी कई शिकायतें हैं, कई स्कूलों के प्रमुख टीचर्स प्रिंसिपल भी हमारे टच में है, और उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार मैनेजमेंट कर रहा है, किस प्रकार का उनको फीस वसूली का टारगेट दिया जा रहा है कि टारगेट अचीव करेंगे तो आपको सैलरी मिलेंगी जी। तो रे साहब, इतनी जो जिल्लत उनको उठाने पड़ रही है, तो उनका भी काम है कि ऐसे समय रे रेवोल्यूशन में साथ में खड़े हो, और बच्चों के तरफ से उन्होंने भी बोलना चाहिए, और उन्होंने भी अपने संचालकों को बोलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत प्रकार की फीस ले रहे हो, आपने इतनी नहीं इतनी फीस लेना चाहिए, और पालकों के साथ खंबीर भूमिका में उन्होंने भी मैदान में आना चाहिए। दीप्ति अग्रवाल देख रही है, कहती है मेरा बेटा सेंटर पॉइंट में स्टडी करता है, मेरे बेटे को भी लिंक नहीं दिया गया क्योंकि मैंने फीस नहीं पे किया। कुछ कहना चाहते हैं आप उनको राज भाई? ने शायद आपकी भाभी जी छे हाँ? उसने भी अपना दर्द आज आपके माध्यम से छलका दी है, वो भी 3 दिन से मेरे पीछे लगी है कि अगर आप फीस नहीं भरते हो जी तो मैं अपनी सेविंग में से फीस भर दूंगी जी। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है भयानक होते जा रही है, पत्नियां जो है घर में मान नहीं रही है जी। और स्कूल वाले इस प्रकार डरा रहे हैं, इस प्रकार उनको मानसिक तनाव दे रहे हैं कि वो कुछ भी समझने से सोच नहीं पा रहे, उनकी समझ जो है काम नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से सभी पालकों को समझाना चाहूंगा कि ऐसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं। जब हम कोई आंदोलन करते हैं,
हम जब कोई नई क्रांति लाने की बात करते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। इन घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन घटनाओं से सीखने की जरूरत है कि हमने इससे क्या सीखा। मेरे लिए भी एक व्यक्ति बड़े प्रभावी और सिखाने वाले व्यक्ति थे, उनका इंटरव्यू मैंने कुछ महीने पहले लिया था और उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं माता पिता के लिए पत्थर की मील जैसे खड़ा रहूंगा स्कूल्स के सामने, और वो अब नज़र नहीं आ रहे। बच्चू कड़ू जी कैसे हैं? सब ठीक हैं? बढ़िया है? कुछ कर रहे हैं? देखिए, बच्चू कड़ू जी एक ऐसे मंत्री है महाराष्ट्र में जी जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, बाकी जो है बाकी तो सब सोए है। अच्छा, सिर्फ बच्चू कड़ू जी एक ऐसे आदमी है जिसको हम शिकायत करते हैं तो शिकायत जो है मूव होती है। कहाँ मूव हो रही है, मतलब किस दिशा में मूव हो रही है? पॉजिटिव दिशा में हो रही है। मतलब पॉजिटिव बोले तो कोरोना पॉजिटिव? नहीं नहीं देखिए राज भाई, कोरोना पॉजिटिव नहीं, बल्कि उस शिक्षा वो जो वो है उनके, हम जो भी कंप्लेंट करते हैं उनको बहुत सकारात्मक तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने तो स्कूल्स का निकाला था ना पंचांग, निकाला है, अभी भी निकला हुआ है पंचांग। नागपुर की सुप्रसिद्ध 15 स्कूलों पे जांच उन्होंने बैठाई है जी, और तकरीबन 6 स्कूलों की जांच पूरी हो गई है, 9 स्कूलों की जांच इसके लिए बाकी है कि वो कोरोना का बहाना बना के शिक्षा विभाग को पेपर देने से हलगर्जी कर रहे हैं, और कोई ना कोई रोज नया बहाना वो बना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी जो है, कौन सी स्कूल्स पे चालू है ये? देखिए, नागपुर की सभी स्कूल है, जो बड़ी बड़ी स्कूल्स है जैसे भारतीय विद्या भवन, भारतीय कृषि मंदिर, सेंटर पॉइंट, SOS, इस प्रकार की कई स्कूलें है, नारायणा, पोद्दार इंटरनेशनल, इन सब पे, पोद्दार वर्ल्ड, इन सब पे 15 स्कूलों पे जांच चालू है जी। पहले फेज पे 15 स्कूलों पे जांच होंगी, उसके बाद धीरे धीरे दायरा बढ़ाया जाएगा जी। और बड़ी गंभीर बात है कि जो 6 स्कूलों पे जांच हुई है उसमें पाया गया है कि पिछले 2 साल में दे, तो अगर जांच तो जो है 2011 से होना चाहिए क्योंकि DFRC कानून 2011 से आया था जी। लेकिन तो भी 2 ही साल की जांच अभी कराई जा रही है कि पता लगे कि रे मसला क्या है। तो 2 साल की जांच में रे पाया गया है कि इन स्कूलों ने करोड़ों रुपए पालकों से गैर कानूनी तरीके से लूटा है, और जब रे जांच पूरी होंगी शिक्षा विभाग उनको आदेश करेगा कि रे पैसा पालकों को वापस दिया जाए जी। दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी चुनकर आई थी जी, दिल्ली में उन्होंने 2 ही काम किया था, सब में पहले स्कूलों को सुधार किया था जी, और सातों साथ जो बड़ी स्कूलें थी, प्राइवेट स्कूलें थी, उनको कहा था कि आप लोगों ने जो ज्यादा फीस ली है वो फीस पालकों को तुरंत वापस कर दे, नहीं तो हम आपका स्कूल अधिग्रहण कर लेंगे। स्कूल वाले टस से मस नहीं हो रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि अगर आप 3 दिन में पालकों को पैसा वापस नहीं करेंगे तो रे मैं सारी स्कूलें जो है राज्य सरकार के अधिग्रहण कर लूंगा। उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ, लाइन लगा के स्कूल वालों ने सारे पालकों को पैसा वापस किया। वही तर्ज पे हम नागपुर में जांच करवा रहे हैं, और जिस दिन रे जांच कंप्लीट होंगी मुझे पूरा भरोसा है बच्चू भाऊ कड़ू पे, क्योंकि वही एक शेर आदमी है जो कुछ करने की तमन्ना रखता है कि वो रे जांच पूरी करेगा। और इस जांच के विषय में भी हमने मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि रे शिक्षा विभाग से जांच नहीं कराई जाए, बल्कि CAG से रे पूरी स्कूलों की जांच कराई जाए, और हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री महोदय इस पर आदेश देंगे और रे जांच चालू होंगी। अगर वो आदेश नहीं देते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमारी इस मसले पे जनहित याचिका भी डालने की तैयारी है, और हम माननीय न्यायालय से मांग करेंगे कि रे एक बहुत बड़ा विषय है, इसकी CAG की जांच होना चाहिए और पालकों से लूटा हुआ पैसा पालकों को वापस मिलना चाहिए। ये जो आप पिछले इंटरव्यू में भी आपने ये मेंशन किया, मैंने आपके कई सारे पोस्ट देखे फेसबुक पे जहाँ पे आपने बोला कि पेरेंट्स को, जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो पालक जिनको आप बोलते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा करोड़ों का फर्जी काम हुआ है, फर्जी फीस ली गई उनसे करोड़ों रुपए, और अभी भी पेरेंट्स स्कूल्स छोड़ नहीं रही हैं। टीचर्स की भी तो सैलरी है, टीचर्स का भी तो टीचर्स कितने प्रेशर में रह रहे हैं, मतलब एक टीचर काम करती है 8 घंटे की नौकरी तो है नहीं, 2400 घंटों की वो एक तरीके से कर्मचारी बन जाती है एक स्कूल की, है ना। प्रिंसिपल का फ़ोन आया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया,
टीचर को कहाँ से कौन से दिन कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, उस पर भी बहुत सारे कानून है ना। उसकी सैलरी काटी जाती है अगर टीचर ने वाइट डे के दिन वाइट नहीं पहना, है ना। तो बहुत सारे कानून है। टीचर्स को भी महंगी शॉपिंग करनी है, टीचर्स की भी जहाँ पे स्कूल की बस में वो स्कूल जा सकती हैं, वो महंगी लाखों की कार खरीदती हैं, उनका भी पांचवा छठवा सातवा वेतन है। आपको उनकी पगारों से भी प्रॉब्लम है? देखिए राज भाई, उनकी पगारों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जितनी फीस रे स्कूल वाले लेते हैं जी। उसका 20% भी पगार जो है अपने स्टाफ में नहीं देते हैं। अगर आप बड़ी स्कूलों के फीस का देखोगे, जैसा सेंटर पॉइंट स्कूल ही देखोगे, तो 1 लाख के ऊपर इसकी फीस है, बराबर। और पगार के एवज में इसका 20% पैसा भी नहीं जाता है। जी तो रे टीचर की पगार का हमको भी कोई वो नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि टीचरों को पूरी पगार इस पेंडेमिक के समय मिलना चाहिए, जी लेकिन इन्होंने उसमें भी कमाई की है। क्या होता है जब रे जो आपदाएं आती है ना, इसमें छोटा आदमी और छोटा बनता है और बड़ा आदमी और बड़ा बनता है, जी क्योंकि बड़े आदमी इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। बराबर वो ढूंढते हैं कि इसमें हम फायदा क्या उठा सकते हैं। जी। तो सब में पहले स्कूल वालों ने क्या फायदा उठाया कि अपने स्टाफ को डरा के बता दिया कि हमारे स्कूलें बंद है, जी हम आपको 50% सैलरी देंगे, अगर जी आपको काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। बराबर 50% स्टाफ सैलरी में उन्होंने कमा लिया। बराबर। यहाँ पालकों को डरा रहे हैं कि आप 100% फीस भरो, जब आपका इलेक्ट्रिक का बिल बच रहा है, जी जब आपका मेंटेनेंस का पैसा बच रहा है, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई वापर नहीं रहा, उसके बावजूद आप हमसे 100% फीस ले रहे हैं। तो आपने अपना प्रॉफिट जो है वो कई गुना बढ़ा लिया है, और आड़ किसकी, टीचर्स की, कि हमको इनको पगार देना है। इनको जो है 20% भी, इनका जो पैसा जमा होता है उसका 20% भी पगार टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बटता नहीं है। अरे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्कूल उनको सैलरी दे नहीं रहा है बराबर, कुछ स्कूल्स उनको सैलरी दे ही नहीं रहे। चलो उनकी तो हम बात ही नहीं करते, डांस टीचर क्राफ्ट टीचर ये तो वैसे भी स्कूल में उतने काउंट नहीं किए जाते, सिर्फ एनुअल फंक्शन रहता है तभी टीचर या कोई कॉम्पिटिशन आता है तभी उनकी इज्जत की जाती है, बाकी तो साल भर उनको स्कूल में शायद उतना देखा भी नहीं जाता। मैं बड़े क्लास की टीचर्स की बात कर रहा हूँ। बड़े क्लास की जो टीचर्स हैं उनको भी तो जिनके पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे आज उन्होंने महंगा मोबाइल खरीदा हुआ है, वाईफाई लग गया घर में, और अच्छी चीजें क्या चाहिए उनको। देखिए राज भाई, रही बात आप में देखिए आप मुस्कुरा भी रहे, राज आज भाई, आज रही मेरे मुस्क सवाल अलग है लेकिन हाँ बिल्कुल राज भाई, रही सवाल का, आप बोल रहे हैं टीचर्स ने महंगा मोबाइल ले लिया है, वाईफाई लग गया है, तो जी मेरे पालकों को भी महंगा मोबाइल, महंगा लैपटॉप और वाईफाई लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई थी। इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन चालू किया, पालकों को भी मजबूरी में उनके जी पास पैसे ना लेते हुए भी किस्तों पर मोबाइल लैपटॉप लेना पड़ा। तो स्थिति दोनों तरफ हुई, इनको लेना पड़ा तो हमको भी लेना पड़ा। जी हमको भी वाईफाई का खर्चा बढ़ गया, हमको भी प्रिंट आउट के खर्चे बच गए, बल्कि टीचरों का खर्चा बचा है। उनका वाईफाई और उसका तो लगा है खर्चा मोबाइल का, लेकिन उनका पेट्रोल का खर्चा बचा है। सही बात है। लेकिन मैं ऐसी छोटी बातों में नहीं जाना ये चाहता पेट्रोल हूं। के पैसे बचे, हर महीने नए शॉपिंग करने जाना पड़ता था हाँ टीचर्स को, उसके भी पैसे वो बचे। पैसे बचे, मैं उन छोटी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जी मालूम है कि बच्चों को कोई शिक्षा देता है तो मैनेजमेंट नहीं देता है। जी मैनेजमेंट तो सिर्फ कायदा बनाता है, मैनेजमेंट लूट का कायदा बनाता है, जी मैनेजमेंट अपने नियम चलाता है, बल्कि हमारे बच्चों को जो शेप देता है, हमारे बच्चों को जो संस्कार देता है, वो टीचर्स देती है। जी तो टीचर्स की पगार, मैं फिर आपके माध्यम से बोलता हूँ कि हमने हमारे आंदोलन में कभी भी टीचर्स की पगार का विरोध ना कभी किया है और ना कभी करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि वो कितनी मेहनत हमारे बच्चों के पीछे कर रहे हैं, और वो जो भी अभी कर रहा है, रात को 11 बजे मैसेज डाल रहे हैं, 12 बजे फोन लगा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। जी मजबूरी के कारण उनको डराया जा रहा है कि रे आज 10 बच्चों का टारगेट है, रे जी 10 बच्चों को आपको डरा के फीस वसूल करना है, नहीं तो तुम्हारी सैलरी नहीं होंगी। मतलब तो टीचर टीचर आजकल वसूली एजेंट बन गए हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रात को 12 बजे मुझे मोबाइल पे मैसेज आया जी गूगल क्लासरूम में जी मेरे बच्चे के, कि आप जो है अगर अभी फीस नहीं भरे तो कोई बात नहीं है, आपको हम 24 तारीख तक का समय दे रहे हैं, अच्छा अगर आप 24 तारीख तक फीस भर दोगे तो आपके बच्चे की एग्जाम जो है जी हम 24 के बाद ले लेंगे। तो रे अच्छा किस प्रकार की एग्जाम है, कि एक बच्चे की एग्जाम अभी, एक बच्चा जो फीस भरेगा 24 के बाद उसकी तब, और एक बच्चा जो बाद में भरेगा पेनल्टी के साथ उसकी तब।
तेरा एग्जाम नहीं है बल्कि फीस वसूली का एक फंडा है, जिसका एक पालक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और आपके माध्यम से इन स्कूल संचालकों को चेतावनी देता हूँ कि समय रहते रहे होश में आ जाए। अगर रे होश में नहीं आएंगे तो मेरा आंदोलन यहाँ रुकने वाला नहीं, मैं आंदोलन तीव्र कर दूंगा, मैं धरने पे बैठूंगा जगह जगह जाके। अब मैं स्कूलों के सामने बैठ रहा हूँ, हो सकता मेरे को इन लोगों के घरों के सामने भी बैठना पड़े, क्योंकि स्थिति जो है भयानक होती जा रही है। घंटानंद आंदोलन करूंगा मैं इनके घरों के सामने जाके, मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, चक्का जाम करूंगा, रोड रोकूंगा। उसके अलावा जरूरत पड़ने पे मैं मांगो भिक्षा बचाओ शिक्षा आंदोलन भी छेड़ूंगा पूरे प्रदेश में, कि शिक्षा को बचाने के लिए पालकों को भिक्षा मांगने पड़ रही है, तो समय रहते रहे सब होश में आ जाए। लेकिन संदीप जी, ऐसा है कि जब माता पिता, पालक, पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब वो भिक्षा मांगने के लिए तैयार हैं, जब वो भीख मांगने के लिए तैयार हैं, वो लोन लेने के लिए तैयार हैं, तो संदीप अग्रवाल को प्रॉब्लम क्या है? देखिए राजभाई, अरे वो भीख मांगकर ले रहे ना, वो ब्याज पे पैसे लेने के लिए तैयार हैं, वो अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेचकर फीस भरने के लिए तैयार हैं, जमीन बेचने के लिए तैयार हैं, गाड़ी गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, वो सब चीजों के लिए तैयार हैं। अब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? राजभाई, स्कूल मैनेजमेंट का फायदा हो रहा है। राजभाई रही बात मैं बताता हूँ, जब कोई आदमी कर्ज लेता है ना जी, तो उसकी अंदर जो उसकी आत्मा रहती है ना, वो ब्याज देके झकझोर जाती है। कहीं ना कहीं उसको रे लगता है कि मैंने 10,000-20,000 रुपए कर्जा लिया हो, ये कर्जा मैं कैसे चुकाऊं? अरे ये ओल्ड फैशन बातें हैं। नहीं, ओल्ड फैशन नहीं है राजभाऊ, अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण हजारों लोगों की जॉब छूट गई है। आपको एक वाक्य मैं बताना चाहूंगा, पोद्दार इंटरनेशनल की बात है, पिछले जून में मैंने वहां पे आंदोलन किया था। अरे वो स्कूल बैग्स बेचते हैं? नहीं, स्कूल बैग का नहीं बोल रहा हूँ, किताबें बेच रहे थे राजभाऊ। मैं स्कूल बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको वाक्य बताता हूँ, 2 मिनट लूंगा बस आपका जी। पोद्दार इंटरनेशनल में सारे पालक जमा हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। जब वहां पालक जमा हुए, प्रिंसिपल को मजबूरन आना पड़ा हमारे साथ बात करने। एक पालक मुझे वहां मिले, वो पालक के 3 बच्चे थे और स्कूल वाले फीस के लिए दबाव डाल रहे थे जी। उनका बोलना था, भैया मैं रिलायंस में नौकरी करता था जी, और मेरी नौकरी छूट गई है जी। मेरी पत्नी नौकरी करती थी, मेरी पत्नी की नौकरी छूट गई है। ऐसी स्थिति में हम खाने के लिए जहाँ पैसा नहीं है, वहाँ फीस कहाँ से भरे? और हम इतने साल फीस भरते आए हैं, आगे भी भरेंगे। हम इनको लिखित में देने को तैयार है कि हम आगे भी फीस भरेंगे, लेकिन हमको नई नौकरी सर्च करने के लिए कुछ समय और कुछ रिलैक्सेशन दे। ऐसी स्थिति मैंने देखा हूं, और पालकों को रोते हुए, पालकों को खून के आंसू रोते हुए मैंने देखा हूं। पालक किस हालत में पैसे जमा कर रहे हैं, पालक कैसे कर्जे ला रहे हैं, मुझे मालूम है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति में मेरा पालक कर्ज बाजार हो जाए, क्योंकि आने वाली स्थिति कब सुधरेंगी इसकी कोई शाश्वती नहीं है। तो कम से कम थोड़ा पैसा अगर उनके पास बचा रहेगा, तो आने वाले समय में उनको सरवाइव करने के लिए वो पैसा काम में आएगा। और स्कूलों के फीस तो हम इतने सालों से देते आए हैं और देंगे, हम फीस नहीं देंगे रे बोल ही नहीं रहे, लेकिन जो वाजिब फीस है वो इन्होंने हमसे लेना चाहिए, और जो भी फीस है इन्होंने अपना खर्चा कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और खर्चे के हिसाब से अगर इनका फीस, अगर 1,000 रुपये फीस है, इनको लगता है 400 रुपये खर्चा है, 100 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ ले, 500 रुपये हमसे फीस ले ले, 50% फीस ले ले हमसे, हम तैयार है, हम कुछ भी करेंगे, कैसा भी मैनेज करेंगे, हम इनको 50% फीस देंगे। क्योंकि अभी तो हमारी लड़ाई 2021 के लिए चल रही थी। तो मतलब ये स्कूल्स का ये बोलना आपको अच्छा नहीं लगता कि अगर फीस भरने की औकात नहीं है तो बच्चों को घर में रखो? बिल्कुल गलत चीज है राजभाई, देश शब्द जो वो बोल रहा है, दे तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है उनका, गैर जिम्मेदाराना शब्द है उनके, और बहुत ही निचले स्तर के शब्द है। क्योंकि अगर हमारी औकात नहीं रहती तो हम तुम्हारे स्कूल में बच्चों को डालते नहीं, हम जो है इतनी लाखों रुपए की फीस आपकी भरते नहीं। तो हम लोगों के कारण
आप लोगों के रे महल बने हुए हैं, हम लोगों के कारण आपकी शान और शौकत चालू है, हम लोगों के कारण आप लोग इतनी लेविश जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम लोगों में एक कारण क्या है, मैं तो अपने पालक को भी जिम्मेदार बोलता हूँ। जिस दिन मेरे पालक में एकता हो जाएंगी, जिस दिन मेरा पालक रे बात समझ जाएगा, उस दिन रे बड़ी स्कूलों में ताला लग जाएगा राज भाई। ये पालक को बहुत मिर्ची लगी हुई है, लेकिन ये पालक नॉर्मल नहीं हो पा रहा, हरा भरा नहीं हो पा रहा ये पालक। पालक क्यों नहीं जुड़ रहे, पेरेंट्स जुड़ क्यों नहीं रहे, मतलब उनको किस बात का डर खाया जा रहा है कि कर्ज लेना आसान है उनके लिए, क्या आसान है? नहीं राज भाई, कारण कैसा है, पालक जुड़ रहा है, ऐसा जी नहीं है कि पालक नहीं जुड़ रहा है। अगर पालक नहीं जुड़ता तो रे आंदोलन साल भर तक के नहीं घिस सकते थे। सही बात आज है। नागपुर से शुरू किया गया आंदोलन पूरे देश में नो स्कूल नो फीस की मुहिम चालू हो गई थी। ले जी 18 मई को हमने नागपुर से शुरू की थी, आज पूरे देश में लोगों ने अलग अलग बैनर के तहत नो स्कूल नो फीस की मुहिम चलाई है। तो पालक तो जुड़ ही रहा है, जी लेकिन कहीं ना कहीं पालक डरा हुआ है, पालक सहमा हुआ है। जी कारण कैसा है, मेरा जो पालक है वो बहुत भोला है, उसको कानून कायदे का इतना ज्ञान नहीं है। वो उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरे बच्चे का एजुकेशन रुक जाएगा जी तो मेरा बच्चा क्या बोलेगा, जी मेरी मिसेस क्या बोलेंगी, जी मेरे बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो पालक जो है डर जाता है, और इनकी जो नई नई तरकीबें हैं, कोर्ट्स भी डर गए हैं क्या? देखिए आप तो राज कोर्ट भी भाई, गए कोर्ट भी कोई डरे नहीं है, कोर्ट भी समय समय पे या उनपे भी माल ये स्कूल के नए नए महंगे देखिए मालिकों का प्रेशर है? देखिए रे बात गलत है, जी कोर्ट पे किसी का प्रेशर नहीं है, और हमको पूरा भरोसा न्यायपालिका में है। और इसका एक उदाहरण भी आपको दे देता हूँ, संविधान चौक पर मेरा आंदोलन हुआ था, जी प्रशासन ने मुझ पर FIR दर्ज की थी 4 लोगों पर, और हम लोगों पे 8-9 धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। जब मैंने उस FIR के बारे में माननीय उच्च न्यायालय नागपुर बेंच में याचिका दायर की, तो पहली हियरिंग में पालकों का दर्द समझते हुए हाईकोर्ट ने वो FIR स्क्वैश कर दिया, क्वैश कर दिया और FIR रद्द कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि न्यायपालिका पे किसी का दबाव है, न्यायपालिका पूरी तरह सक्षम है, और हमको भरोसा है कहीं ना कहीं जो पिटिशंस हुई है उसमें पूरी बातें कोर्ट के सामने सही तरीके से रखी नहीं गई है, क्योंकि सरकारी वकील जो थे वो समय समय पे अपने जो आर्गुमेंट के विषय थे वो बदल देते थे। कहीं ना कहीं जो सरकारी यंत्र था वो पूरे कागजात पेश नहीं कर पाए, इसके लिए कोर्ट को जो कागजात पेश हुए उसके आधार पे डिसीजंस देने पड़े। जी लेकिन तो भी कोर्ट ने अपने, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका हुई थी उसमें भी कोर्ट ने बोला है कि आप पैसे के लिए किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो शिक्षा विभाग नागपुर है दे पूरी तरह मैनेज है इन बड़े लोगों के साथ, बड़े स्कूल के बड़े स्कूल्स मालिकों के के साथ? मालिकों के साथ। शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी है दे पूरी तरह उनके साथ रहते हैं, बल्कि पालकों के साथ नहीं रहते हैं। इसके कारण इस आदेश को भी तोड़ मरोड़ करके शिक्षा विभाग और स्कूल संचालक वापर रहे हैं, और हथियार बना के पालकों को बेवकूफ बना रहे हैं। और बहुत जल्द इन सारे तथ्यों को लेके जी मैं, फीस का तो इशू है ही, अभी एग्जाम के इशू को भी लेके मैं जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ, CAG रिपोर्ट को भी लेके कि CAG जांच होना चाहिए, जी इसके लिए भी मैं एक याचिका दायर करने वाला हूँ। और ये जो शिक्षा का आंदोलन है ये अब रुकने वाला नहीं है, दिन पे दिन रे और तीव्र होगा, और ये उसी दिन रुकेगा जिस दिन लोगों को सस्ती शिक्षा मुहैया करा सकेंगे हम लोग। पर तब तक तो स्कूल अपनी रिकवरी कर लेगा। देखिए राज भाई, रिकवरी करने से कुछ नहीं होता, आपको एक कायदा बता देता हूँ। जी एक कायदा है 2011 DFRC में, जी उसमें कहा गया है कि जब भी स्कूल का नया सेशन खुलता है उस समय सब में पहले PTA का गठन होना चाहिए 15 दिनों के अंदर। जी PTA होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जी उसमें 50 शहरी में 50 रुपये, शहर का जो एरिया है उसमें 50 रुपये की मेंबरशिप पालक को दी जाती है, जी ग्रामीण की एरिया में 20 रुपये की मेंबरशिप दी जाती है। उसके बाद वो जो एसोसिएशन है वो EPTA फॉर्म करता है, जी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाता है पेरेंट्स और टीचर की, जी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो रहती है वो स्कूलों के खर्चे को
का जायजा लेके उसकी फीस तय करती है स्कूल की। बड़ी आश्चर्य की बात है कि नागपुर की रे सुप्रसिद्ध स्कूल है सेंटर पॉइंट, दे तो एक कदम और आगे है। 21-22 का पीटीए का गठन नहीं हुआ है, 21-22 का ईपीटीए नहीं बना है, और इन्होंने पालकों को एक नोटिस दे दिया है कि आने वाले 21-22 में आपको इतनी फीस भरना है, आप हमको कंफर्म करो कि आप रे फीस भरोगे, अगर आप कंफर्म करोगे तो ही हम आपके एडमिशन मानी जाएंगी, नहीं तो हम समझेंगे कि आपको हमारे एडमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने 21-22 का पीटीए बना लिया है, क्या इन्होंने 21-22 का ईपीटीए जो है उसका गठन कर लिया है, इसकी मीटिंग कब हुई, इसमें कितने मेंबर शामिल हुए, दे सबका उन्होंने भी खुलासा करना चाहिए। और जब सरकार ने सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया है तो आप किस प्रकार की कंटिन्यूटी चाहते हैं? सभी बच्चे जो पांचवी में था वो छठवीं में चल गया, छठवीं वाला सातवीं में चल गया, आठवीं वाला नौवीं में चले गया। जब सरकार ने ही प्रमोट कर दिया है तो आपको रे कंटिन्यूटी का लेटर हमसे सही करवाने का क्या अधिकार है? दे इस प्रकार का गोरख धंधा बंद होना चाहिए, पालकों को डराना बंद होना चाहिए। राजीव वर्मा देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी। राज्य सरकार को केवल स्कूल ही नहीं विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर भी ध्यान देना चाहिए। राज्य में कुछ कॉलेज सरकार के नियमों का पालन ना करते हुए ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा देने का दबाव विद्यार्थियों पर डाल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो राज्य सरकार जो है वो आपकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है कि राज्य सरकार पे भी देखिए राज्य मालिकों का पूरा प्रेशर, राज्य सरकार पे भी कहीं ना कहीं इन बड़े लोगों का दबाव है। और राज्य सरकार में बैठे कई बड़े नेता है जिनके शिक्षण संस्था चल रहे हैं, अच्छा। जिनको बचाने के लिए, जिनकी संस्थाओं को बचाने के लिए इस प्रकार के नरम आदेश निकाल के खाना पूर्ति की जा रही है। और जब तक सरकार ने इच्छा शक्ति के साथ पेंडेमिक कानून के अंतर्गत ये आदेश नहीं निकालेंगी, पालकों को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मुझे एक चीज बताइए, योगेश टाले देख रहे हैं आपको, वो कहते हैं आई एम विथ यू। ये जो आई एम विथ यू वाली जो लाइन है, ये कोई मतलब देखिए कोई भी पॉलिटिकल नेता आपके साथ खड़ा नहीं है, है ना। आपके मैंने कई सारे फोटोज देखा, कभी आप ये पार्टी के नेता से मिल रहे हैं, कभी वो पार्टी, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, मन से आप सबसे मिल चुके हैं, आपका आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। आपने इनसे भी बात करी, कई सारे मीडिया वालों से, मीडिया वाले भी कोई खड़े नहीं, क्योंकि उनको भी ऐड चाहिए, उनको भी बिजनेस चाहिए, वो भी खड़े नहीं है। आप अकेले खड़े हैं संदीप जी, राज भाई, और जो पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं वो भी तो फीस भर दे रहे हैं। देखिए राज भाई, वही बता रहा हूँ, पालक जो है डरा हुआ है, डर के कारण वो फीस भर रहा है। डर तो कोरोना में भी जो ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है वो डर के वजह से हो रही है, वही बोल रहा हूँ मैं। और जो नेताओं का है, नेताओं से हम इसके लिए मिले कि हमारे शहर के नेता है, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे शहर में पालकों को क्या समस्या है। जी। हमको भी मालूम था कि वो कितना साथ दे सकते हैं, लेकिन हम उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो सुधर जाए जी। और सुधर जाए और हमारा साथ दे, नहीं तो पालक तो आने वाले समय पे इनको बताएंगा ही जो पालक को करना है। पालक को सब मालूम है कि एक भी आमदार, एक भी खासदार किसी ने पालक का साथ नहीं दिया, तो और, नहीं दे रहे, और वो देंगे भी कैसे? फिर चुन के आ जाएंगे वो राज भाई, वो साथ देंगे भी कैसे जी? क्यों? क्योंकि उनके भी शिक्षण संस्था है ना। अच्छा। जितने बड़े नेता है इनके सबके शिक्षण संस्था है, इनके भी स्कूल कॉलेज, इनके भी स्कूल कॉलेज है। इनको रे लग रहा है कि रे अग्रवाल चिल्ला रहा है तो हमारा नुकसान कर रहा है, सही बात। इनको रे नहीं लग रहा कि दे चिल्ला रहा है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधारने के लिए चिल्ला रहा है, तो मतलब इनका जो कमाया हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है। राज भाई, अब वो तो आप खुद समझदार हो जी, सब काला पीला करके ही बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनी हुई है, बराबर। और अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए इस प्रकार के कार्यों में वो आगे नहीं आ रहे हैं, और फीस माफी के मुद्दे पे वो पूरी तरह चुप है, जबकि उन्होंने इस मुद्दे को मेरे से पहले उन्होंने उठाना चाहिए था, क्योंकि हमने चुन के उनको भेजे है कि हमारे सुख दुख के साथी है वो। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में राज ठाकरे साहब ने ये विषय उठाया है जी। और राज ठाकरे साहब ने भी मुख्यमंत्री को कहा है कि फीस में माफी होना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं एक कदम उठा है कि एक
स्टेट लेवल का नेता बोलो, एक देश का नेता बोलो, राज ठाकरे साहब आज एक देश के नेता है हमारे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, तो कहीं ना कहीं दे बात जो है अब चिंगारी आग बन रही है, और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे इनकी भी आंखें खुलेंगी और कहीं ना कहीं इनका भी जमीर जागेगा और रे पालकों के साथ खड़े होंगे। और आपने एक और बात कही कि आप अकेले दिख रहे हैं, तो राज भाई आपको बताऊंगा कि निकला था अकेले जनाबे मंजिल मगर, निकला था अकेले जनाबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवा बढ़ता गया। जिस दिन मैंने आंदोलन चालू किया था हम केवल 5 लोग थे, 5 लोगों के साथ रहे आंदोलन चालू किया था, और आज जहाँ पे भी हम चाहे संविधान चौक रहे चाहे स्कूलों के सामने रहे, हम अगर अनाउंस करते हैं कि कल हम वहाँ आ रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरे पालक दिल खोल के वहाँ आके मेरे साथ खड़े रहते हैं, यही मेरी उपलब्धि है और यही मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ करना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कोरोना से लोग ज़्यादा मरेंगे या कर्ज से? देखिए राज भाई, रे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और कहीं ना कहीं कोरोना से तो हम लोग पूरी तरह परेशान हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा हम कर्ज से मरेंगे, क्योंकि इन स्थितियों में जहाँ पूरी तरह दुनिया रुक गई है, कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो गया है, हमारी दुकानें बंद है, हमारे व्यापार बंद है, हमारे पे हर प्रकार की लाइबिलिटी चालू है, इलेक्ट्रिक बिल भरना है, पानी बिल भरना है, टैक्स भरना है, हमारे यहाँ काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उनकी भी पगारें हमको देना है, तो कहीं ना बैंक की EMI चालू है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह अर्थव्यवस्था हर परिवार की बिगड़ चुकी है, और मेरा तो मानना है कि कोरोना से ज़्यादा कर्ज से लोग मर सकते हैं। संदीप अग्रवाल जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने इतनी सारी बातें जो एक पालक के साथ एक पेरेंट के साथ घट रही हैं और किस किस्म की तकलीफ वो सह कर भी आज स्कूल्स के सामने में आंदोलन करने के लिए खड़ा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में सराहनीय है। आप जो कर रहे हैं उसको आप शुरू रखिएगा, क्योंकि आपके जैसे ही थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी शुरुआत करी थी और फाइनली उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। पता नहीं आप पेरेंट्स को आज़ादी इससे दिला पाएंगे या नहीं, लेकिन शुभकामनाएं आपके साथ ज़रूर हैं। आपने अपना वक्त दिया, आप बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सीधी बात, बहुत बहुत सीधी बात। आज राज की बात के इस एपिसोड में सवाल बहुत बड़ा है कि कोरोना से लोग ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स होंगी या इन कर्जों से। हकीकत तो यही है कि ये बात स्कूल्स के मैनेजमेंट के ओनर, स्कूल के मालिक को समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्या करें साहब, संदीप अग्रवाल जी बता रहे थे कि उनकी पहुंच तो हर जगह है, अब जिसकी पहुंच हर जगह है उसको कैसे समझाएं, उसको कैसे रोकें। कमज़ोर हैं, लोअर मिडिल क्लास कमज़ोर है, मिडिल क्लास कमज़ोर है, और वाकई में हम सब कमज़ोर हैं क्योंकि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनको ताकत भी हम ही देते हैं, ताकत भी हम ही देते हैं। हम इनको क्या करते हैं, हम इनको बड़े बड़े नेताओं का साथ दे देते हैं, ये नेता कहाँ से आते हैं, इनको हम चुनते हैं। क्या करें साहब, वोट देना बंद कर दें क्या? नहीं ना, तो क्या करें? ऑप्शन दो ही रह गए, या फीस देना बंद कर दें, या फीस देना बंद कर दें, या कर्ज लेके फीस भर दें। स्कूल अपना ड्रामा बंद नहीं करेगा। मेरे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था, आप पूरा इंटरव्यू अगर देखेंगे तो आखिरी में ये लाइन भी सुन लेंगे कि मेरा सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था, लेकिन मेरे सवाल अपने आप में जवाब थे। उन सभी स्कूल्स के ओनर्स के लिए, उन सभी प्रिंसिपल्स के लिए जो कठपुतली बनकर स्कूल के ओनर्स के हिसाब से चलती हैं। मुझे पता है आप काफ़ी समय से एक ऊंची लाइफस्टाइल शायद नहीं जी पा रहे होंगे, लेकिन निवेदन है आपसे कि आप उन पेरेंट्स के बारे में भी सोचें जिनकी दुकानें बंद हैं, जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, जिनके पास खाने के लिए भी आज पैसे नहीं हैं। साहब पेंडेमिक शुरू है, ये बात पेंडेमिक शुरू है, ये बात को अब स्कूल मैनेजमेंट तक समझाया सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है, अगर आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। सभी माता पिताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि
की जो पूरी शिक्षा सुविधा है हमारे देश में, ये जो व्यवस्था है शिक्षा की, ये अगर आप बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन आपको गाली ना दें, आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नो फीस नो एग्ज़ाम की ये जो ड्रामे स्कूल कर रहे हैं इसको रोकने में संदीप अग्रवाल जी और विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन के साथ खड़े रहें। कल शाम को 5 बजे फिर मैं आपसे मिलूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थोड़े ताकतवर बने, हमेशा ऐसे नहीं रहे, मुट्ठी बने, उंगली नहीं, उंगली तोड़ी जा सकती है, मुट्ठी नहीं, और जिंदा रहें। जय हिंद।